बिहार में कोविड-19 के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, काफी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो कुछ सेवियर हैं उनके वो डॉक्टरों में भी काफी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही, सरकार काफी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुंचे, लोगों की मृत्यु न हो। लेकिन इसी क्रम में IMA बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण के कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित ने कुछ दिन पहले ही इसकी मांग की थी और IMA की तरफ से हम लोग इसकी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस संबंध में कोई सरकार फैसला ले। बिहार के जितने भी तकनीकी लोग हैं मेडिकल के क्षेत्र के, चाहे वो IGMS के डायरेक्टर हों, चाहे वो AIIMS के डायरेक्टर हों, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हों, सुपरिटेंडेंट हों, या फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हों, जो दिन रात कोविड क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोगियों की स्थिति देख रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के डॉक्टर हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजों के पदाधिकारी हों, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि कुछ दिनों का लॉकडाउन उसको तोड़ सकता है इस खड़ी को। मैंने बात की भाजपा के मेडिकल सेल के पदाधिकारियों से, मेरा डॉक्टर साधना सिंह का भी मत था कि एक छोटे अवधि के लिए लॉकडाउन जरूरी है, और मैं जनता दल यू के मेडिकल सेल से बात किया, वो लोग सरकार की कार्रवाइयों से सहमत है, लेकिन उनका भी कहना है कि लॉकडाउन के फायदे होते हैं और जनता को चाहिए कि स्वयं अपने ऊपर में वो लॉकडाउन को लागू करे, मानकर चले कि लॉकडाउन लागू है। तो मैं आज आप सब आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जनता किस हद तक मानेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम देख रहे हैं डे टू डे प्रैक्टिस में और कि लोग जो है वो अभी भी अनअवेयर है इस ग्रेव सिचुएशन से, और लॉकडाउन करना एक छोटे पीरियड के लिए 2 सप्ताह के लिए अत्यंत आवश्यक है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।